मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। उत्तराखंड के हल्द्वानी में भयानक हिंसा हुई है, हालांकि यहां पर कर्फ्यू भी लगा दिया गया है। बताया जा रहा है कि मदरसा और मस्जिद पर नगर निगम कार्रवाई करने गई थी और इसी की वजह से यहां पर स्थानीय लोग विरोध प्रदर्शन करने लगे। जो मुस्लिम महिलाएं हैं, पुरुष हैं, वो यहाँ पर मस्जिद और मदरसे पर कार्रवाई को लेकर विरोध जताने लगे और इसी दौरान यहाँ पर बताया जा रहा है कि हिंसा भड़क गई। तस्वीरें आप देख सकते हैं हिंसा की, किस तरह से यहाँ पर आगजनी, पथराव और तोड़फोड़ किया गया है। हिंसा करने वालों को देखते ही गोली मारने का फरमान भी जारी किया गया है। ये तस्वीरें हैं, गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया है और पत्थरबाजी भी यहाँ पर हुई है। इस पूरी हिंसा में बताया जा रहा है कि 6 लोगों की मौत हुई है, जबकि सैकड़ों पुलिसकर्मी सहित 300 से भी ज़्यादा लोगों के घायल होने की खबर है। हालात को देखते हुए हल्द्वानी शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया है, स्कूल ऑफिस बंद कर दिया गया है और सिर्फ अस्पताल और दवा की दुकानें खुलने के आदेश दिए गए हैं। इस हिंसा को लेकर कांग्रेस के स्थानीय एमएलए ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनाते हैं। कैसे पूरा घटनाक्रम हुआ, किस तरह से देखते हैं, क्या माहौल ऐसा रहा कि इतनी बड़ी घटना हो गई? नहीं देखिए, तो बहुत बड़ी चूक है प्रशासन और जो प्रशासनिक अधिकारी हैं जिनका बड़ा उतावलापन है, क्योंकि अभी वो जब कोर्ट अप्रोच जिन लोगों ने करा था उन्हें 14 तारीख की डेट उनके पास थी, लेकिन जल्दबाजी में और बिना कॉन्फिडेंस में लिए हुए वहाँ के जो लोग हैं, जो मौजूद लोग हैं, जो उनके मौलाना लोग हैं, अगर उनको कॉन्फिडेंस में लेके बात करी जाती है, आप एकदम वहाँ पहुँच जाते हैं और बिना इन्फॉर्मेशन के और ऐसी कार्रवाई को अंजाम दिया। लेकिन अनुचित हुआ जो भी हुआ, आज आज़ादी के बाद से आज तक कभी हल्द्वानी शहर में ऐसा हमने कभी नहीं देखा, तो बड़े बड़ा काला दिन है, बड़े दुख का विषय है और बड़ा जो पूरी चीज़ हुई उसमें मेरे को बहुत दुख है। और जितने भी पुलिसकर्मी हो, आम जनमानस के जो लोग हैं, जिनको भी इंजरीज हुई हैं, जो भी परेशान है, मेरी संवेदना है उनके। विधायक जी, कार्रवाई वहाँ हो रही थी लेकिन पथराव करना, आगजनी करना, इसको कितना सही मानते हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल, मैं बिल्कुल, देखिए हम तो अहिंसा में विश्वास करने वाले लोग, कोई तरीका होता है अहिंसा के रास्ते से सब कुछ मिल सकता है, तो हिंसात्मक कार्रवाई जो हुई है मैं उसकी घोर निंदा करता हूँ। अब क्या मांग करते हैं? नहीं, मेरी मांग है कि इसकी पूरी जाँच हो, कि इसकी जो शुरुआत हुई ये कैसे शुरू हुआ, और ये जो उतावलापन कुछ प्रशासनिक अधिकारी बहुत बड़ा अपने को समझते हैं, और बिना, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर सबसे बड़ा विषय होता है प्रशासनिक अधिकारी, और आज उस विषय में वो फेल हुआ। क्या मुख्यमंत्री से आपकी बात हुई है? मेरी मुख्यमंत्री जी से 2 बारी वार्ता हुई, मेरी पहले भी उनसे वार्ता इस विषय में हुई थी और उन्होंने अपनी चिंता जताई और उन्होंने मुझसे यही कहा कि आप जितने लोगों से आप कह सके, तो मैंने जितने लोग को संभव थे, जो सीनियर लोग हमारे थे, हालांकि वो तो एक मॉब थी, किसी की सुन नहीं रही, लेकिन आज क्योंकि एक कोई मौलाना साहब, उनकी मृत्यु भी हो गई थी, तो जो यहाँ के शहर के जो बड़े मौलाना थे वो यहाँ मौजूद नहीं थे, अगर शायद वो होते तो आज शायद ये स्थिति नहीं। दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए, बिल्कुल, देखिए दोषी जो भी है, देखिए शुरुआत हमें करनी पड़ेगी कि कार्रवाई की शुरुआत किसने करी, उनका दोष क्या, उनकी कमी क्या रही है, बेचारे पुलिस बल जो ये ले गए, ये पुलिस के लोगों को जो चोट लगी है उनके कारण से ले गए ना, तो ये बहुत बड़ा एक, इस पर पूरी जाँच बैठनी चाहिए और दोषी जो भी हो, देखिए संपत्ति, सरकारी संपत्ति पे आग लगाना, वाहनों पे आग लगाना, ये बिल्कुल कहीं पे भी ऐसी चीज़ कबूल नहीं हो सकती।